जी हाँ दोस्तों, बहुत ही घटिया हरकत और बहुत ही नाकासी हरकत जो कि नहीं करनी चाहिए थी। भाई साहब देखिए, शुएब मलिक और सना जावेद की जैसा कि आप सभी जानते हैं शादी हुई, और इसको लेकर भाई साहब जब शुएब मलिक ग्राउंड गए, और एक बात यहाँ पर देखने वाली ये थी कि सना जावेद के लिए भाई साहब VIP और बाकी सभी भी, तो शाहीन जितने भी क्रिकेटर्स की जो है लवर्स बीवीज वगैरह सभी आती हैं, तो वो भाई साहब ग्राउंड में आवाम के साथ बैठती हैं और बाकी क्राउड के साथ बैठती हैं। और भाई साहब इन्होंने क्या किया, PSL 2024 में जब मुल्तान सुल्तान के खिलाफ शुएब मलिक भाई साहब गए हैं मैच खेलने, तो भाई साहब नई नवेली दुल्हन को इन्होंने जो है ना बाहर जो है ना स्टेज बनाया और अकेले वहाँ पर बैठी हुई है सना जावेद और मज़े कर रही है। और फिर भाई साहब ये नौजवानों ने जो गलती की और इशारे लगा रहे हैं पीछे से जो है ना, बकवास कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं, उन नौजवानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, और नौजवानों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था कि वो पीछे से आवाज़ें लगा रहे थे, बक रहे थे, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। और इस चीज़ को जो है ना सना जवेद ने ऐसे गुस्से से देखा, काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देखा, लेकिन फिर भी भाई साहब क्राउड में वो क्या करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे हाथ हिलाया कि भाई शांत हो जाओ, शांत हो, वाज़ें मत लगाओ। और नौजवानों के, और दूसरी बात ये कि सना जवेद को क्राउड में जाना और मुल्तान सुल्तान के खिलाफ शुएब मलिक की परफॉर्मेंस देखते हुए तो वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन जो आवाज़ें कसी जा रही थी वो घटिया हरकत थी, और ये चीज़ सना जावेद को काफी ज्यादा मुश्किल पड़ती। लेकिन मेरा पैगाम आपको यह है कि क्राउड को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन नौजवानों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी आप समझदार हो, कमेंट बॉक्स में ये क्या हुआ और कैसे हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। टाटा बाय बाय।